गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए तरीके की बहुत ही सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम ऑयल में से बनाएंगे और खाने में ऐसा कि सब खाते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में एक कप साबुदाना डाल के इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। रोस्ट करने से साबुदाना में बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है। इसे हमें ज्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। साबुदाना ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो लगभग एक मिनट रोस्ट करने के बाद इसे बोल में निकाल लेंगे और ठंडा हो जाने देंगे। अब साबुदाना को अच्छे से धोना है, तो इसमें पानी डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेंगे। अगर आप गर्म साबुदाना को ही धो देंगे तो इस तरीके से साबुदाना पूरा मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए ठंडा हो जाने के बाद ही इसे धोएं। साबुदाना में काफी ज्यादा स्टार्च होता है, तो इसे हाथों से हल्के हल्के रब करके धोने से सारा स्टार्च निकल जाता है। तो ये देखिए, अब साबुदाना हमने अच्छे से धो लिया है। साबुदाना रेडी है। अब इसे दही में भिगोना है। तो एक बोल में डालेंगे एक कप दही, इसमें 1 टीस्पून काला नमक जाएगा और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से दही बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। तो ये देखिए, परफेक्ट दही मिक्स हो चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप दही में एक ही कप पानी भी ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धुला हुआ साबुदाना भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसे रात भर फ्रिज में ढक के रख सकते हैं। इससे सुबह तक साबुदाना फूल जाएगा और दही भी खट्टी नहीं होगी। और अगर टाइम कम हो तो कम से कम 3 घंटे के लिए तो फूलने के लिए छोड़ ही देंगे। तो हमने इसे रात भर दही में ही सोक करने के लिए छोड़ दिया। तो ये देखिए, अब ये प्रॉपरली फूल चुका है। अब इसे ऐसे ही तो नहीं खा सकते। टेस्ट बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मजेदार सा तड़का बनाएंगे। तो पैन में जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून चने की दाल और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे। दाल को हल्का सा पका लेंगे, इससे दाल लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। फिर इसमें 1 टेबलस्पून सरसों या राई ऐड करेंगे। 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली जाएगी। इसकी जगह पे आप कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा डाल के सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें लाल मिर्चों को कट करके डालेंगे और करी पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चीजें जल्दी पक जाती हैं उन्हें बिल्कुल एंड में डालना है, और जो ज्यादा टाइम लेती हैं उन्हें सबसे पहले तड़के में डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तड़का बनके तैयार हो चुका है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे हम डाल देंगे दही के ऊपर। ऊपर से इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और कच्चा नारियल कद्दूकस करके डाल देंगे। ग्रेट करा हुआ कच्चा नारियल इसमें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। रात में ही आप साबुदाना अगर भिगो देंगे तो सुबह में सिर्फ इसमें तड़का लगाना है। तो ये बहुत ही हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो एक बार मेरे कहने से इसे जरूर बना के ट्राई करें। आई एम श्योर हर किसी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड ऐसी और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।